उसको मन में
तेरी वंदना करता हूँ। हे देव परमात्मा, तुम मंगल और शुभ करने वाले हो। मैं दोनों हाथों को जोड़कर तेरे मंदिर में घुटनों को झुकाकर तुम्हें कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। मैं श्रद्धा विनय एवं प्यार से जगत के नाथ तुम्हें नमस्कार करता हूँ। हे पापों एवं कष्टों को हरने वाले, शुभ करने वाले, मैं तेरे चरणों का ध्यान करके हे सर्वशक्तिमान तेरे धाम में समाना चाहता हूँ। हे राम, ऐसी भक्ति रूपी भावना तू मेरे मन में भर दे, तेरे गुणों को गाता रहूं। हे ज्योतिर्मय जगत के ईश, जगत के पालनहार जगदीश, तेरा तेज अपार है। हे परम पुरुष पावन प्रभु, तुझे कोई जान नहीं पाया और न कोई जान पाएगा। ऋषि मुनि साधु महात्मा तेरे गुणगान करते चले गए, लेकिन कोई तुझे जान नहीं पाया। तू सदा रहने वाला, सत्य ज्ञान को देने वाला, हे आनंद एवं असीम शक्ति प्रदान करने वाले प्रभु, तुझे कोई जान नहीं पाया। हे अनंत असीम परम धामों के धाम, महाराजाओं के महाराज, आकाश पाताल सूरज चांद एवं तारों को बनाने और सजाने वाले परमात्मा, मैं हंसता नाचता एवं गाता हुआ तुम्हारे नाम में लीन होकर प्रणाम करता हूँ। हे मानव सुन, जो संसार का मालिक है, तू उसे सच्चे एवं पवित्र मन से पुकार। तू पूर्ण विश्वास एवं भरोसे से जान ले कि वे तुम्हारे अंतःकरण की आवाज को सुन रहा है, तुम्हारी पुकार एवं प्रार्थना को सुन रहा है। तुम उसके चरणों में पढ़कर धन्यवाद करो। हे दयामय दया के सागर, कृपा करने वाले सर्वशक्तिमान देवों के देव, तुम्हें नमस्कार हो, नमस्कार हो। भक्त साधक और संसारी को इस प्रकार अपने देवाधिदेव को नमस्कार करके पुकारना चाहिए। मन मंदिर में बैठ कर नाम रूप मूर्ति को धार, आत्म ज्योति जगा कर राम राम तो पुकार। इसलिए हे साधक, ईश्वर तुम्हारे शरीर रूपी मंदिर में विराजमान है और तू बाहर भटकता रहता है। दिया और दिया सलाई तेरे हाथ में है और तू ना जाने क्यों अंधेरी रातों में गिरता भटकता हुआ किसे ढूंढ रहा है। तू अपने मन के मंदिर में बैठ, डर नहीं, वे प्रभु तेरे जन्मों का साथी है। वे तुम्हारे अंदर आत्मा रूपी ज्योति जला रहा है। उस ज्योति रूपी आत्मा को तू जान, डर मत, तू अपनी हस्ती एवं शक्ति को पहचान। हाँ, जब तक तू अपने आप को नहीं जानता, तू शरीर धारण करता जाएगा और शरीर सड़ता भी जाएगा।
तेरा रैन बसेरा है शरीर, बार बार तुम्हें किसी न किसी रूप में जन्म तो लेना ही होगा, और ये संसारी लोग तुम्हें अपनी एवं बेगानों की जंजीरों में माया जाल में जकड़ते जाएंगे। ईश्वर ने पांच तत्वों से मकान रूपी शरीर तुम्हारे लिए बनाया है, फिर वही माता पिता बहन भाई अपना बेगाना, धन एवं माया, मजहब और धर्म और कई प्रकार के दुनियावी बंधनों में जकड़े जाओगे। इस दुनिया की चकाचौंध में तुम याद नहीं कर पाओगे कि आखिर तुम्हारा अपना व्यक्तित्व क्या है, तुम्हारा अस्तित्व क्या है। तुम कभी भी अपनी आत्मा एवं उसके रहस्य को नहीं जान पाओगे। शरीर के सुख और दुखों को भोगते हुए आवागमन के चक्र में फंसे रहोगे। ये शरीर एक किराए का मकान है, ये भी साथ न दे सकेगा। फिर तुम न कुछ साथ लाए थे, खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही चले जाओगे। ये सोचो, शरीर में रहते हुए तुम निराकार आत्मा थे, निराकार के बिना साकार कुछ नहीं और साकार के बिना निराकार कुछ नहीं। संसारी सिर्फ शरीर को मानते हैं, आत्मा को नहीं। साधक के लिए निराकार ही सब कुछ है, वे ध्यान में निराकार को ही देख लेता है, इसी में उसको सुकून एवं आनंद मिलता है। आत्मा की ज्योति अपने अंदर जग रही है। जब आप राम की धुन लगाओगे तो आप अनुभव करोगे कि मैं मानव नहीं हूँ, मैं किसी और धरती का रहने वाला हूँ, ये अनुभव होगा तुम्हें। फिर तुम्हारी पुकार अंतःकरण से उठती हुई किन्हीं अनजान दिशाओं को छूने लगेगी और तुम अपने आप को अनजान पाओगे। ऐसी अवस्था में तुम्हारी धुन तुम्हारी प्रार्थना बनकर उस परम धाम की ज्योति में समा जाएगी। यही सच्चे राम की पुकार और यही आत्मा का जागना, यही ज्योति का प्रकाश जो तुम्हारे अंदर बन जाएगा। जब तुम्हारी आंखों में आंसू भी बहते रहेंगे और तुम्हें शांति भी मिल जाएगी, तुम्हारी आंखों में मस्ती, चेहरे पर तेज और अंतःकरण में आनंद का मौन होगा, नजरें आकाश की ओर लगी हुई अलौकिक आनंद अनुभव कर रही होगी और ईश्वर तुम्हारे अंतःकरण के अंधकार को सदैव के लिए मिटा देगा। जब तुम मुक्त आत्मा कहलाओगे और संसार तुम्हें महापुरुष या महात्मा कहकर पुकारेंगे, तुम आत्मा उस असीम परमात्मा में समा चुके होगे, उस असीम परमात्मा में समा चुके होगे। को देता
हम सब ने अपने जीवन में न जाने कितनी बार ये बात सुनी भी, पढ़ी भी कि परमात्मा सब में रहता है, हर जीव में, सृष्टि के कण कण में रहता है। लेकिन क्या वास्तव में हर मानव इस बात पर विश्वास कर पाता है? सुनता जरूर है, पढ़ता जरूर है, परमात्मा सब में है। लेकिन विश्वास बहुत कठिनता से आता है। यदि सभी को इस बात पर दृढ़ विश्वास हो जाए कि परमात्मा सब में, मेरे में भी, उसमें भी, इसमें भी, सब में मेरा परमात्मा है, तो फिर इस संसार में इतने झगड़े कहां से होते? कैसे हम दूसरे मानव को पीड़ा पहुंचाते? जब तक हम इस बात का अनुभव नहीं कर लेते कि जो परमात्मा मेरे में है वही दूसरे में भी है, जिस बात से मुझे पीड़ा होती है उसी बात से इसको भी पीड़ा होती है, जब ये अनुभव कर लेंगे तब दूसरे को पीड़ा नहीं दे पाएंगे। कारण क्या है? पढ़ते हैं, सुनते हैं, लेकिन सभी को देता नजर ना आया। कारण ये, वो निराकार दृष्टि में आता नहीं तो कैसे विश्वास हो? जिन्होंने ध्यान समाधि में अनुभव कर लिया उनकी बात अलग हो जाती है, अन्यथा तो संसार केवल सुनने तक ही सीमित रहता है। किसी ने कहा, किसी ने सुना, बस यही तक। ये संसार ऐसे ही चलता रहता है, विश्वास नहीं आता, क्योंकि वो नजर नहीं आता। जो नजर नहीं आता कैसे विश्वास हो? अजब तमाशा है उस खुदा का, न कोई उसको है देख पाया। जो नजर आ जाता सबको देता हुआ, मुझे वही परमात्मा दे रहा है, इसको भी वही परमात्मा दे रहा है, जो ये अनुभव में आ जाता तब मानव कैसे अहंकार कर पाता? अहंकार का कारण ही ये है कि देने वाला नजर नहीं आता। तो अहंकार आना स्वाभाविक हो जाता है। मैं ही कर रहा हूं, मैं ही सबको खिला रहा हूं, मैं ही परिवार का पालन पोषण कर रहा हूं,
कितना अहंकार भर जाता है मानव में। मैं करने वाला और कौन, जो करता है वो बताता नहीं आकर मैंने किया, बस बैठा तमाशा देखता रहता है, हंसता रहता है मानव की मूर्खता पर। वो सोचता है ठीक है, जो ये मानव ये मान बैठा है, ये भ्रम हो गया है इसको, मैं ही करने वाला, मैं ना खिलाता तो ये कैसे खाते। होता है ना अहंकार, किसी को कुछ देते हैं तो कितना मन में अहंकार आ ही जाता है, मैंने दिया, जो मैं ना देता तो इसका क्या होता। तो कभी कभी जब भक्तों के मन में भी ऐसे संशय आ जाते हैं, कुछ अहंकार प्रवेश करने लगता है, तो परमात्मा नहीं चाहता जो मेरी भक्ति के मार्ग पर चलने वाले हैं, जो मेरे प्यारे हैं, इनके मन में ऐसी भटकन हो। कुछ ऐसी छोटी सी कथा आती है, चाहे ये कथाएं केवल समझाने के लिए कही गई होती हैं, फिर भी हम सच भी मान सकते हैं। एक दिन प्रभु कृष्ण और रुक्मणी जी बैठे कुछ चर्चा कर रहे हैं। चर्चा करते करते प्रभु कृष्ण कहने लगे कि जो जितने भी जीव इस धरती पर आते हैं, परमात्मा भेजता है, सभी का पालन पोषण वही परमात्मा करता है, सबको भोजन वही पहुंचाता है। करते करते कभी कभी कोई चर्चा वाद विवाद की हद में चली जाती है, वाद विवाद में परिवर्तित हो जाती है। बहुत बार ऐसा होता है, तो बात यहां तक पहुंच गई कि सभी को वो भोजन पहुंचाता है। हाँ, सभी को परमात्मा, एक छोटी सी चींटी का भी परमात्मा ही पोषण करता है। तो वहां जमीन पर एक चींटी चल रही है, तो रुक्मणी जी कि ये चींटी तो दिन रात मेहनत करके अपना भोजन ढूंढती है, कैसे मान ले हम कि इसे परमात्मा कहीं पर भी भोजन पहुंचाएगा। तो प्रभु कृष्ण कहते हैं, परमात्मा तो पत्थर के कीड़े को भी भोजन देता है, वहां भी पहुंचाता है। तो रुक्मणी जी भी थोड़ी जिद में आ गए,
तो उन्होंने एक छोटी सी डिब्बी ली और चींटी को उसमें रख दिया। इस बंद डिब्बी में भी परमात्मा इसको भोजन पहुंचाएगा, हाँ जरूर पहुंचाएगा। ठीक है, देखते हैं। तो उन्होंने उस डिब्बी को बंद कर दिया। ईश्वर के प्यारे तो मुस्कुराते ही हैं, जानते हैं अपने परम पिता परमेश्वर की करामात को। शायद इसके मन में संशय आ गया है, मेरा परमात्मा अपने भक्तों के संशय को भी अवश्य ही मिटाएगा। तो कुछ दिन के बाद रुक्मिणी जी के मन में ध्यान आया कि मैंने तो चींटी को एक डिब्बी में बंद कर दिया था, अब तक तो उसके प्राण निकल चुके होंगे। देखते हैं। तो वो डिब्बी उठाकर प्रभु कृष्ण के पास लेकर आए कि देखें आपकी बात कितनी सच है कि परमात्मा पत्थर के कीड़े को भी भोजन पहुंचाता है। तो जैसे ही डिब्बी को खोला तो क्या देखते हैं, उसके अंदर जो चींटी थी उसके मुंह में चावल का दाना है। बहुत आश्चर्यचकित, ये कैसे संभव है, मैंने तो स्वयं ही इस चींटी को इस डिब्बी में डाला था, फिर ये चावल का दाना कहां से आ गया इसके मुंह में। प्रभु कृष्ण वैसे ही मुस्कुरा रहे हैं क्योंकि अपने परमात्मा पर उन्हें तो पूर्ण विश्वास है, केवल इस संसार को ही जब मन में संशय आ जाता है तो वो जानते हैं कि वो सर्वशक्तिमान स्वयं ही अपने प्यारों के संशय दूर करेंगे। अपने पति से रुक्मिणी जी पूछने लगे, ये कैसे संभव है, ये चावल का दाना कहां से आ गया। तो प्रभु कृष्ण बता रहे हैं, जब तुमने चींटी को इस डिब्बी में डाला तो तुम्हारे मस्तक पर जो तिलक लगा हुआ था उस पर जो कुछ चावल के दाने लगे थे तुम्हारे तिलक पर, वही इस डिब्बी को बंद करने से पहले तुम्हारे मस्तक से गिरकर इस डिब्बी में वो चावल का दाना गिर गया जो शायद तुम देख नहीं पाई, लेकिन वो परमात्मा वो सब देख रहा था। उसने इस चींटी को भी भोजन पहुंचाना था, इसलिए डिब्बी के बंद होने से पहले ही उसने
इसके भोजन का प्रबंध कर दिया। ये है परम पिता परमात्मा, सभी को देता नजर ना आया। अजब तमाशा है उस खुदा का, न कोई उसको है देख पाया। उसको देखने के लिए वही दिव्य दृष्टि चाहिए जो प्रभु कृष्ण ने अर्जुन को दी थी, वही दिव्य दृष्टि जो हमें ध्यान समाधि में जाकर मिलेगी। कब मिलेगी? जब हम सिमरन करते करते उस परमात्मा के ध्यान में पहुंच जाएंगे, तभी उसे अनुभव कर पाएंगे, उसे देख पाएंगे। जय श्री राम। ही राम रटे मन मेरा, राम ही राम, राम ही राम रटे मन मेरा, राम ही राम रटे मन मेरा, राम ही राम रटे मन मेरा, राम ही राम रटे मन मेरा। दुख पीड़ा सब चिंता भागी, दुख पीड़ा सब चिंता भागी, मिटा अज्ञान अंधेरा, राम ही राम रटे मन मेरा, राम ही राम रटे मन मेरा। दुख पीड़ा सब चिंता भागी, दुख पीड़ा सब चिंता भागी, मिटा अज्ञान अंधेरा, राम ही राम रटे मन मेरा, राम ही राम रटे मन मेरा।
मिटा अज्ञान अंधेरा।